होलिका में भूलकर भी नहीं जलानी चाहिए इन पेड़ों की लकड़ियां, होता है अनिष्ट। होली का त्योहार भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली के दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, फिर अगले दिन होली खेली जाती है। इस साल 7 मार्च 2022 को होलिका दहन होगा और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन से कुछ दिन पहले लकड़ियां इकट्ठा की जाती है, जिसके बाद होली के दिन पहले विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद होलिका दहन किया जाता है। लेकिन होलिका दहन के लिए लकड़ियों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल होलिका दहन में नहीं किया जाता है। इन लकड़ियों के इस्तेमाल से भगवान नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन से पेड़ की लकड़ियों का होलिका दहन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के लिए गलती से भी पीपल के पेड़, शमी का वृक्ष, आम के पेड़, आंवले के पेड़, नीम के पेड़, केले के पेड़, अशोक के पेड़ और बेल के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। इन पेड़ों को सनातन धर्म में शुभ माना जाता है, इसलिए होलिका दहन में इन पेड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हरे भरे पेड़ों का भी होलिका दहन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन में एरंड और गुलर के पेड़ की लकड़ियों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो गुलर के पेड़ को भी सनातन धर्म में शुभ माना गया है, लेकिन इस मौसम में गुलर के पेड़ की पत्तियां झड़ने लगती है। ऐसे में यदि इन वृक्षों की टहनियों को ना जलाया जाए तो इसमें कीड़े लगने लगते हैं। इसके अलावा किसी सूखे हुए पेड़ की टहनियों को किया जा सकता है।